नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। मैं हूं गौरव प्रकाश। आज हम लोग पहुंचे हैं बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में और जानने की कोशिश करेंगे कि यहां जब मतदान होगा तो यहां के लोग किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। अगर बड़का गांव की बात की जाए तो इन दिनों ये सीट काफ़ी हॉट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो भाजपा से उम्मीदवार है, पहले वो आजसू से जाम बड़का गांव से ही उम्मीदवार हुआ करते थे, इस बार उन्होंने पट्टा बदला है, मतलब वो आसू से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। अब ऐसे में यहाँ के लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, किन बिंदुओं को लेकर वो मतदान करेंगे, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, पहले तो चुनाव आ रहा है, वोट का समय, वोटिंग करना है? वोटिंग तो करना है। क्या समझ के वोटिंग कीजिएगा? अभी हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पार्टी किस में जाना, किस जो नामांकन के बाद ही हम लोग कुछ कह सकें, लेकिन वोट तो देना ही है, चाहे जिसको देना चाहे, तो हमारा मताधिकार है, हाँ, चाहे हम लोग बीजेपी को दे चाहे कांग्रेस को दे, लेकिन किसी देवे करेंगे, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। अच्छा जी, अगर बात की जाए बड़का गांव का तो क्या क्या मुद्दा होना चाहिए जिसको लेकर लोग वोट दे? पहला मुद्दा वो विस्थापित वाला जो बहुत जबरदस्त है, पूरा हुआ, बादम हुआ, बड़का गांव हुआ, इसको सही मुआवजे नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है, और बाकी सब तो रोड सड़क किनारे हुआ तो ठीक है, ज़्यादा मुद्दा उसी का है जो हटाओ भगाओ ये सब चल रहा है। यहाँ कोयला के लिए जाना जाता है बड़का गांव? अभी नहीं, कोयला बहुत है, लेकिन यहाँ पब्लिक के लिए कोयला नहीं है, ये सरकार के लिए, पब्लिक यहाँ जलाने वास्ते तरसता है, पैसे से खरीदता है, तब हमारे दूसरे जगह से कोयला आता है, यहाँ के लिए कोई संतोषजनक नहीं है। तो यहाँ पर और क्या लगता है, स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोयला माइंस है तो यहाँ पर बीमारी भी लोगों को होता होगा, बीमारी तो अस्पताल है कि नहीं? अस्पताल तो यहाँ पर है, काम करता है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है, कॉलेज भी है, कोई कुछ नहीं है, सभी चीज़ यहाँ पर है। देखिए, स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन विस्थापन यहाँ पर एक बड़ी समस्या रही है। यहाँ एक और उनसे भी जानेंगे, क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा यहाँ पर इस बार हावी रहेगा? एक्चुअली ऐसा है ना सर, कि बड़का गांव कोयल माइंस पर डिपेंड कर रहा है। 15 साल पहले लोकनाथ महतो हुआ करते थे विधायक, उनके समय में आम जनता को कोयला मुफ्त मिलता था, 30 रुपये 20 रुपये में साइकिल लोग ला के घर पर यूज करते थे। आज 15 साल अम्बा प्रसाद की यानी कांग्रेस है, कोयला का हाहाकार है, कोयला आपको 400 रुपये बोरी नहीं मिल रहा है, हमारा चीज़ है, हमारा कोयला है, हम ग्रामीण परेशान है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। अभी माइंस में इतना बेरोजगार लोग हो गए हैं, सबका जमीन गया है, वो सब बेरोजगार है, इसका जमीन नहीं गया, बाहर से लोग आए हैं वो जॉब में है, ये कौन सा है विडम्बना, इसको कौन देखेगा? हम लोगों ने 15 साल कांग्रेस से देखा, उन्होंने कभी भी ग्रामीणों को जॉब से जोड़ने का कोई काम नहीं किया, ना भविष्य में करेगा, यह डेफिनेट है। हर आदमी अपना अपना देख रहा है, अपना अपना जी रहा है, खा रहा है, आम पब्लिक को लोग बुद्धू बना रहे हैं। वोट का समय आता है, नया वादा, नया इरादा, नई बात सब लोग करते हैं, लेकिन जनहित में कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा, क्या अगर बात कर रहे हैं वोटिंग, हम लोग तो लोग जब आते हैं चुनाव का समय होता है तो तरह तरह का चेहरा आता है गांव में? बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा है तो छूट है ना, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, सब लोग आएंगे, लेकिन एक्चुअल जो इनको मत मिलना चाहिए वह व्यक्ति किसी किसी तरह वंचित हो जाता है, कारण उसके पास संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, वह शिक्षित व्यक्ति है, योग्य है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास न जाति है, न उसका पैसा है, न उसके पास कोई आदमी सहयोग कर देते हैं, फिर वह बेचारा बिछड़ जाता है। यह है यहाँ का वोट का नीति। और देखा, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि लोग यहाँ मतदान तो जरूर करते हैं और लोग यहाँ पर नेता पहुँचते हैं, तरह तरह के लोक लुभावन वादा भी करते हैं, लेकिन 5 साल फिर वो गुम हो जाते हैं इस भीड़ में। तो यहाँ के लोग जब मतदान करेंगे तो ये एक बात जहन में अवश्य रहेगा कि वैसे उम्मीदवार जो स्थानीयता का बात करें, जो रोजगार की बात करें, जो विस्थापन की बात करें, उसे वो मत देंगे। क्या लगता है चाचा, यहाँ पर क्या स्थिति बन रहा थी? स्थिति तो सर देखिए, यहाँ पर जो है सो आप जानते हैं कि बड़का गांव तो विस्थापित जगह है ही, लेकिन यहाँ पर जो है सो घंटे घंटे जो जाम लगता है, इससे दुकानदार परेशान है। पूरे झारखंड में जो है से अतिक्रमण हटा, लेकिन बड़का गांव में आज तक शासन प्रशासन को सब ध्यान नहीं हुआ, जो कि कम से कम हम जो है से अतिक्रमण को पीछे करें। मतलब अतिक्रमण भी एक यहाँ मुद्दा रहेगा कि जो व्यक्ति यहाँ पर रोड अच्छा देगा, हाँ, जो फ्लाईओवर देगा, उसको वोट देंगे। हाँ, बात सही है, आज तक यहाँ तक यहाँ पर अतिक्रमण भी नहीं हटाया, लोग रोड पर कोई घर बना लिया है, रोड पर कोई जैसे दुकान लगा लिया है, आज तक शासन प्रशासन कोई देखने वाला नहीं रहा। अच्छा, अगर बात करें बड़का गांव की तो ये तो खेती के लिए जाना जाता था, यहाँ तरह सालों भर खेती होता था, यहाँ खेती तो होता था और अभी होता है, लेकिन जो है अब तो रहा नहीं, अब तो गाँव के गाँव मैंने जैसे स्थापित हो रहा है, तो अब तो ऐसा रहा नहीं, अब तो यहाँ का आदमी बेरोजगार हो रहा है, यहाँ न रोजगार है और न कंपनी कोई रोजगार दे भी रहा है। आप लोग जब मत देंगे तो रोजगार अभी एक मुद्दा रहेगा? हाँ, रोजगार तो मुद्दा रहेगा, हम लोग माने जैसे हम लोग को बाल बच्चा जो है से बाहर जा रहा है कमाने के लिए, और बड़का गाँव में हम लोग को कोई रोजगार है नहीं।
छोटा मोटा दुकान भी करके बैठते हैं, तब आदमी यहाँ से विस्थापित हो रहा है तो आएगा कौन? यहाँ पे है ना सर, एक मिनट, यहाँ पे देखिए किस तरह के भावनाएं हैं। हजारीबाग से रांची की दूरी 100 किलोमीटर, भाड़ा नॉर्मली 150 यानी 150 रुपया किलोमीटर, और बड़का गांव से हजारीबाग 25 किलोमीटर, भाड़ा 50 रुपया प्रति किलोमीटर। यहाँ से आप चल जाइए टंडवा 18 किलोमीटर, 18 डेढ़ 36 होना चाहिए, 50 रुपया। यहाँ से चतरा 70 किलोमीटर, डेढ़ के रेट से भाड़ा होना चाहिए 105 रुपया, 150। ये पैसा कहाँ जा रहा है? जनता जो शोषण हो रहा है इसको कौन देखेगा? विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि कौन देखेगा? ना DC देखते हैं और ना आपका कमिश्नर देखते हैं, जिन्होंने परमिट इशू किया सब किया, लेकिन किलोमीटर का रेट आज तक तय नहीं किया। पहले 90 पैसा प्रति किलोमीटर था और आज यहाँ पर जा रहा है 2 रुपये से ऊँचा। ये कौन सा खेल चल रहा है मेरे क्षेत्र के गरीबों किसानों के ऊपर? ये शोषण दोहन जो किया जा रहा है, प्रशासन भी इसमें दोषी है, जनप्रतिनिधि भी दोषी है, इसको देखने वाला इस डेट में कोई नहीं है। दो नजरी देखिए, एक तो एक बहुत बड़ी बात कही गई कि यहाँ पर, यहाँ जो है लोग यहाँ के काफ़ी नाखुश भी हैं कि प्रशासन को जो व्यवस्था होना चाहिए था वो व्यवस्था यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बड़का गांव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, अगर जो व्यक्ति रोजगार देगा वो उसे मत देंगे। विस्थापन भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ एक युवा जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, क्या लिए, क्या खरीदे? ये अपनी खेती के सामग्री है, जो खेत, हाँ जलेबी भी लिए हैं, मीठा लगा, मीठा लगा। चुनाव कैसे होगा? अब चुनाव ठीक होगा, क्या सोच के दीजिएगा वोट? हाँ, क्या सोच के दीजिएगा वोट? अब विकास का मुद्दा रहेगा, विस्थापन का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी जो अभी चरम सीमा पर है वो रहेगा। तो ये इनका वही कहना कि बड़का गांव में बेरोजगारी, विस्थापन एक बड़ी चुनौती है, और जब ये मतदान करने जाएंगे तो उन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि बड़का गांव से कौन विधायक बनकर सदन तक पहुंचता है। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।